हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो एमए बीए में ये है, एमए में भी होगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। आज का जो हमारा विषय है वह है धन प्रवाह या धन निष्कासन का सिद्धांत। धन प्रवाह या धन निष्कासन को हम लोग अंग्रेजी में ड्रेन ऑफ वेल्थ, वेल्थ का मतलब धन होता है, ड्रेन का मतलब निकास। तो धन के निष्कासन का सिद्धांत जो आधुनिक काल में, आधुनिक भारतीय इतिहास में हुआ, वो क्या था, वो कैसे संपादित हुआ और उसके अंतर्गत कितना धन का निष्कासन हुआ और इसका क्या प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा, इन सभी विषयों को आज हम अपने क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। तो इसको जानने से पूर्व आपको यह समझना होगा कि वास्तविक स्वरूप में धन का निष्कासन क्या था। दरअसल भारत की जो संपत्ति थी वह औपनिवेशिक शासन काल में, अर्थात जब भारत गुलाम था, ब्रिटेन के अधीन शासन चल रही थी, उस दौरान भारत की संपत्ति को देश से निकालकर इंग्लैंड पहुंचाना भारत में ब्रिटिश शासन की नीतियों का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ब्रिटिश सरकार ने अनेक उपाय अपनाए और उन उपायों के द्वारा भारतीय संपत्ति को सीधा इंग्लैंड हस्तांतरित किया और यही प्रक्रिया जो थी वह धन की प्रवाह या धन की निष्कासन का सिद्धांत मानी गई। अब इसके बारे में हमें विस्तार से इसके समझना है कि भारत से धन की निकासी का एक उपाय था भारत सरकार के ऋण पर सूद का भुगतान। अब ये कैसे, अब इसको समझने का प्रयास करेंगे कि भारत सरकार के ऋण पर सूद का भुगतान, भारत में तो ब्रिटिश सरकार शासन कर रही थी, तो भारत सरकार का ऋण ब्रिटिश सरकार का ऋण हुआ और उनके ही ऋण पर सूद का भुगतान, ये भी एक माध्यम बना धन की निकासी का। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य विस्तार के लिए भारत में बड़े पैमाने पर युद्ध किए, अपने व्यापारिक सैनिक हितों की रक्षा के लिए उसने भारत से बाहर बर्मा, अफगानिस्तान से भी युद्ध किया। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव का दमन करने के लिए भी सैनिक बल का सहारा लिया गया। इन युद्धों का व्यय उठाने के लिए कंपनी के द्वारा अपने देश में कर्ज लिया गया। इस ऋण को या कर्ज को भारत सरकार पर ऋण माना गया तथा उसका भुगतान भारतीय राजस्व से किया गया। इस प्रकार ब्रिटिशों ने अपने हित साधने के लिए भारतीयों से युद्ध किया और फिर युद्ध का खर्चा भी उन्हीं से वसूल किया। इस पर इतिहासकार सव्यसाची भट्टाचार्य ने कहा है, इसे ही कहते हैं मछली के तेल में मछली को भुनना। ये काफी महत्वपूर्ण कथन है कि भारतीयों का धन को भी ले लिया और भारतीयों से उस धन का सूद भी वसूल कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों को लाभांश भारतीय राजस्व से ही दिया जाता था।
इस प्रकार यह भी भारत के भारत से धन की निकासी का एक उपाय था। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह व्यापारिक लोगों का एक संगठन था, तो वो भारत में व्यापार करने आए और भारत की अव्यवस्था का लाभ उठाकर इन्होंने भारत में सत्ता स्थापित की। तो इनके जो भागीदार थे उनको लाभांश जो था, उनका जो लाभ था वह भारतीय राजस्व से दिया जाता था। जो भारत का धन होता था उससे कंपनी के व्यापारियों को उसका लाभांश दिया जाता था, और यह भी धन के निकास का एक महत्वपूर्ण कारक या उपाय कहा जा सकता है। 1833 के चार्टर एक्ट में व्यवस्था की गई कि इस लाभांश में प्रतिवर्ष 6,30,000 पाउंड दिए जाए, अर्थात 1833 के चार्टर एक्ट में यह साफ वर्णन कर दिया गया कि अब 6,30,000 प्रति पौंड प्रतिवर्ष ब्रिटिश व्यापारियों को उनके लाभांश के रूप में दिए जाए। तो यह भी एक कारक बना भारत से धन निकासी का। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वह है सेना विभाग की विभिन्न मदों पर होने वाले खर्च का एक बड़ा हिस्सा भी धन की निकासी का एक साधन था। अंग्रेज सैनिकों का वेतन, भत्ता, पेंशन और उन पर किया जाने वाला अन्य व्यय पौंड में ही किया जाता था। भारत में जब ब्रिटिश सेना की किसी रेजिमेंट को भेजा जाता था तो उसका खर्च भारत से ही लिया जाता था। भारतीय ब्रिटिश सेना साम्राज्य के हित के लिए भारत से बाहर भेजी जाती थी, तो उसका व्यय भी भारत से ही किया जाता था। इस प्रकार सेना के द्वारा जो ब्रिटिश फौज या सैनिकों की नियुक्ति की गई थी उनको भारत में या भारत से बाहर युद्ध के लिए उनको भारतीय राजस्व से ही वेतन का भुगतान किया जाता था, और इस प्रकार यह भी धन निकासी का एक महत्वपूर्ण साधन बना। अब अगला कारण देखते हैं, गृह व्यय भी धन की निकासी का एक महत्वपूर्ण साधन था। दरअसल भारत के शासन और व्यवस्था के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपने देश में जो संस्थाएं स्थापित की, जैसे नियंत्रक मंडल या सपरिषद भारत मंत्री आदि, उन पर होने वाले व्यय को भी भारत के राजस्व पर ही डाला गया। कुछ देशों में स्थित विदेशी दूतावास या वाणिज्य दूतावास का व्यय भी भारत से ही वसूल किया जाता था। भारत में रेलों का निर्माण विदेशी पूंजी के द्वारा किया गया था। यह पूंजी ब्रिटिश पूंजी थी जिस पर लाभ की गारंटी थी। सड़क, नहर, बंदरगाहों को बनाने में तथा सरकारी काम में आने वाली अनेक वस्तुओं की खरीद ब्रिटेन से ही की जाती थी। इस तरह यह भी भारत के धन की निकासी का एक उपाय
बन गया था। अनुमान किया जाता है कि भारत से धन की निकासी का लगभग 1861 से लेकर 1921 के मध्य इस तरह से 10-12% जो राशि थी वह गृह व्यय में खर्च होती थी। पूंजी निवेश के माध्यम से धन की निकासी में 20वीं शताब्दी में तेजी आई थी। एक मोटे अनुमान के अनुसार 2 विश्व युद्धों के मध्यकाल में कम से कम 30 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष लाभ या सूद के रूप में ले जाया जाता था। पूंजी निवेश पर यह आय 60 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तक पहुंच जाती थी। इस दौर में भारत में विदेशी बैंकों तथा बीमा कंपनियों की भी स्थापना हुई तथा उनके द्वारा की गई कमाई भी धन की निकासी का एक साधन बनी। इस तरह से हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के उपायों से भारत से धन की निकासी हो रही थी। अब हम देखेंगे कि लगभग कितना धन का निकासी हुआ। तो विभिन्न तरीकों से ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने देश से कुल कितने धन की निकासी की इसका अनुमान लगाना काफी कठिन है। अलग अलग विद्वानों ने इस संबंध में अलग अलग समय के लिए अलग अलग आकलन दिए हैं। विलियम डिग्बी का अनुमान है कि 1757 से लेकर 1815 के काल के लिए 50 से 100 करोड़ पौंड के मध्य निकासी की गई थी। दादा भाई नरोजी ने ब्रिटिश शासन के पहले 100 वर्षों के लिए अनुमान लगाया है कि लगभग 150 करोड़ पौंड धन की निकासी की गई है। वाचा के अनुसार 1860 से 1900 के मध्य काल में 30 से 40 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की निकासी हुई। पावलोव का मानना है कि 1930 से 1947 के मध्य केवल शुल्क के रूप में भारत से 13 से 14 करोड़ पौंड धन की निकासी की गई। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और धन की निकासी के संदर्भ में अपने विचार भी दिए हैं। अब हम देखेंगे कि इस धन की निकासी के कारण इसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। धन की इस निकासी का भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा। यह निकासी देश के दरिद्रीकरण, आर्थिक पिछड़ेपन, ऋणग्रस्तता का मूल कारण थी। इस निकासी का मतलब था कि भारत में जो भी बचत या अतिरेक का मतलब सरप्लस होता है ना, अतिरेक पूंजी होती थी वह पूंजी बनकर भारत के आर्थिक विकास में काम
नहीं आती थी, बल्कि सीधे इंग्लैंड पहुंचा दी जाती थी और वहां की पूंजी और आर्थिक समृद्धि का आधार बनती थी। यही नहीं, भारत का यह धन विदेशी पूंजी के रूप में पुनः भारत आकर और अधिक निकासी व शोषण का आधार बन जाता था। इस पर दादा भाई नरोजी ने कहा है, भारत का धन बाहर जाता है और वही धन भारत में ऋण के रूप में आ जाता है और इस ऋण के लिए और अधिक ब्याज, एक प्रकार से यह ऋण का कुचक्र सा बन जाता है। यह स्टेटमेंट जो था, यह कथन दादा भाई नरोजी ने दिया था। धन की निकासी से उत्पन्न दरिद्रीकरण व आर्थिक पिछड़ापन ने जनता के सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक अधोपतन को जन्म दिया। इस दृष्टि से इसे सभी बुराइयों की बुराई कहना पूरी तरह से सही था। इस निकास से भारत के आय तथा रोजगार की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। दादा भाई नरोजी ने इस निकास पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी धन का निष्कासन, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड को लहू चूषण बताया है। साथ ही दादा भाई नरोजी ने इसे नैतिक निकास कहकर भी संबोधित किया है, जिसका तात्पर्य भारतीयों को उनके देश में भी विश्वास एवं उत्तरदायी पदों से बाहर रखा जाता था। इसलिए दादा भाई नरोजी ने इसे नैतिक निकास का संबोधन प्रदान किया। तो इस प्रकार से हमने अपने इस विषय में देखा कि धन का निष्कासन जो है वह भारत से विभिन्न मदों के द्वारा, चाहे वह गृहव्यय हो, कंपनी के भागीदारों को लाभांश देना हो, या भारत में अपने साम्राज्य विस्तार के लिए किए गए या साम्राज्य से बाहर किए गए युद्धों के ऋण के रूप में हो, या कंपनी के ऋणों के रूप में हो, या किसी भी अन्य तरीकों से हो, वह सभी भारत सरकार के ऋण माने गए और इस ऋणों की अदायगी भारत सरकार से अर्थात भारतीय जनता से की गई। इन ऋणों की वसूली करने के बाद यह ऋण सीधे ब्रिटिश सरकार के पास पहुंचता था और ब्रिटिश सरकार के माध्यम से यह वापस ब्रिटेन को भेज दिया जाता था और वहां की समृद्धि और उनकी संपन्नता का आधार बनता था। इसके बाद वही धन वहां और ज्यादा विशाल मात्रा में अर्जित करके उसे वापस भारत में ऋण के रूप में लाया जाता था। तो इस प्रकार से यह एक ऋणों का कुचक्र सा बन गया था। इस पर इतिहासकार, प्रमुख इतिहासकार सव्यसाची भट्टाचार्य ने बताया है कि इसे ही कहा जाता है मछली के तेल में मछली को भुनना। अर्थात जो धन था वह भारत का था, वह भारत की समृद्धि और भारत की संपन्नता का आधार बनता, लेकिन उस धन को
सीधा ब्रिटेन हस्तांतरित कर दिया गया और यह धन जो भारत की समृद्धि का आधार होता वह ब्रिटेन की समृद्धि का आधार बना और वापस वही धन और ऋणों के रूप में पुनः भारत वापस आया और वापस यह भारतीयों के शोषण का आधार बना। तो इस कारण से इतिहासकार सव्यसाची भट्टाचार्य ने कहा है कि इसे कहते हैं मछली के तेल में मछली को भूनना या अलंकरण या कथन पूरी तरह से इस धन की निकासी पर एकदम उचित बैठता है। तो इस प्रकार से यह हमारा जो विषय है यहाँ संपन्न हुआ। हम अपने इस विषय को यहाँ आज विराम देते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इस विषय से संबंधित सारी समस्याओं का निराकरण सहज श्लाघ्य बोध हो गया होगा। यदि आपको इसको समझने में किसी भी प्रकार की कठिनाई या कोई शंका या सवाल है तो आप हमें हमारे कमेंट्स में भेजें, हम उनको यथाशीघ्र दूर करने का प्रयत्न करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। हम अगली कक्षा में फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप लोग घरों में रहें, पढ़ते रहें और सुरक्षित रहें। और मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी को अगले सेमेस्टर के लिए। आप अच्छे से अपनी तैयारी करें और एग्जाम्स में अपने नोट्स बनाते जाएं, उनको पढ़ते जाएं। एग्जाम के माध्यम से आप अपना और अपने परिवार का नाम भी रोशन करें। इसी विश्वास और शुभकामनाओं के साथ मैं आपको आज अलविदा कहना चाहूँगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मेरी यह बताने छूट गई कि यह जो विषय है धन से निष्कासन का सिद्धांत, यह आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में काम आने वाली है। तो इस विषय को आप इजी में ना लें, इसे सामान्य रूप से ना लें, बल्कि इसे विस्तृत तौर पर अध्ययन करें। आप इसे पहले अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, इसके पश्चात इसको अच्छे से रीडिंग करके इसे समझें, इसके मर्म को जानें और इसको लिखने का तरीका अपनी शैली में तैयार करें। उसके पश्चात आप इसे भविष्य के लिए भी सुरक्षित करके रख सकते हैं, क्योंकि यह न केवल कमीशन के एग्जामों में, जेट, टेट, नेट, इन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनके आने की संभावना है। और यह काफी महत्वपूर्ण विषय है आपके आधुनिक भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। तो इन्हीं ये के शब्दों के साथ मैं आज की कक्षा को यहाँ विराम दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप पढ़ते रहेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।